नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जा रही है और उसकी चौतरफा चर्चा हो रही है। आखिरकार जिस महिला शबनम को फांसी दी जा रही है उसका अपराध क्या है, कसूर क्या है और आखिरकार क्यों लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और फिर प्रेसिडेंट के यहाँ से भी उसे कोई रिलीफ नहीं मिला। याद कीजिए 14 अप्रैल 2008 अमरोहा के बावनखेड़ी में ये घटना हुई थी। दरअसल हुआ था ये कि शबनम नाम की एक लड़की थी, इनके पिता शौकत अली थे। अंग्रेजी में एमए किया था, इतिहास में एमए किया था, लेकिन गांव के ही एक लड़के सलीम पठान से इसका इश्क हो गया। घर वाले इस संबंध का विरोध कर रहे थे। वो करती क्या थी कि परिवार में 7 लोग थे, 7ों लोगों को कोई ऐसा नशीला पदार्थ खिला देती थी कि रात में वो लोग सो जाते थे और इसके बाद सलीम को वो बुला लिया करते थे। एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसने यही काम किया, लेकिन उससे पहले सलीम के साथ मिल करके पूरे परिवार, पिता माता भाई भाभी और भतीजा भतीजी सबको मार डाले कि उसने खौफनाक कहानी लिख डाली। इसमें सलीम उसका साथ दे रहा था, उसकी फुफेरी बहन आई थी उस दिन, उसको भी उसने मार डाला। इस तरीके से एक ही दिन एक ही परिवार के 7 लोगों को उसने अपने सलीम के साथ मिलके मार दिया। इसके बाद मामला लोअर कोर्ट में गया, सुनवाई हुई। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मात्र 29 सेकंड में जज ने फैसला सुनाया था। इसमें बहुत ही तफसील से गवाहों की पेशी हुई थी। इसके बाद हाई कोर्ट मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया, फिर रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया, रिव्यू पिटीशन में भी उसे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रिलीफ के लिए ये केस गया, लेकिन उन्होंने भी ठुकरा दिया। दरअसल जज ने ये माना था कि ये एक्सेप्शनल केस में आएगा और इसमें फांसी ही दी जानी चाहिए और वही अब फांसी दी जा रही है। तो यदि उत्तर प्रदेश की चूँकि घटना है तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ मथुरा जेल ऐसी है जहाँ पे कि महिलाओं को फांसी देने की व्यवस्था है, वहाँ पे फांसी देने की तैयारी की जा रही है। पवन जल्लाद मेरठ का जो मशहूर है, जो कि आपको याद होगा निर्भया कांड में तिहाड़ में फांसी देने के लिए आया था, वही पवन जल्लाद मथुरा जेल का 2 बार दौरा कर चुका है। चूँकि फांसी की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसमें जो है बक्सर की जो रस्सी काफ़ी फेमस होती है, रस्सी कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि वो मुलायम भी रहे और फांसी पे लटकाने के लिए सफिशियंट भी रहे, तो उस तरीके की रस्सी मंगाई जा रही है। और अब सबकी नज़र यानी कि पूरे देश की नज़र इसलिए इस घटनाक्रम पे है, इस पहली महिला की फांसी पे है, क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार कोई महिला फांसी पे चढ़ने जा रही है और ये चढ़ना इसलिए तय है कि अभी तक उसे कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला है और ना ही रिलीफ मिलने की उम्मीद लग रही है, इसलिए ये फांसी तय मानी जा रही है। और उसी क्रम में अब देखते हैं कि आगे कब जो है फांसी दी जाती है, क्योंकि होता क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट से और प्रेसिडेंट के यहाँ से जब अपील खारिज हो जाती है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने जो है इस केस को लाया जाता है, वो फांसी की तारीख मुकर्रर करता है, वो उसमें प्रक्रिया बताता है, उसके कई चरण होते हैं और किस तरीके से उसको सूचित करना है, उसके परिवार वालों को सूचित करना है और कैसे फांसी दी जानी है, ये सब कुछ पहले से प्रक्रिया तय है। डेट और समय मजिस्ट्रेट तय करता है, उसी का इंतजार हो रहा है। जैसे ये तय हो जाएगा इस महिला को और इसका जो प्रेमी है सलीम पठान, उसका भी फांसी पर चढ़ना तय है। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।